आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न फ्राई, जिसमें ये दो कॉइन है और इधर इसमें ऐड करने के लिए एक नींबू है और इधर तीन हरी मिर्ची है और तीन ये कांधा है, कांधे को बारीक काटना है और इधर हरी धनिया है इतना, ये भी बारीक काटना है और नमक में ये थोड़ा सा नमक है, काला नमक है, थोड़ा से व्हाइट नमक है। अब इसको हम गुट्टे को हम तोड़ लेंगे, ऐसा तोड़ लेना है, तोड़ करके इसको हम छुड़ा लेंगे पूरा, ऐसा इस तरह से छुड़ा लेंगे। कांदा भी बारीक काट लेना है। इस तरह छोरा लेना है। ये देखिए मैंने दो था, दोनों छोरा ली मैंने, आराम से ऐसा छूट गया, ऐसा बीच में से तोड़ लेने से आराम से छूट जाता है मकई, और छोरा करके हो गया। अब इधर हम ये कांदा है इसको बारीक बारीक काट लेंगे, धनिया है ये भी काट लेंगे बारीक बारीक। तो सबसे पहले धनिया हम बाद में काटेंगे, पहले कांदा काट लेते हैं। कांदा इस तरह से बारीक कर लेना है। आपको और चटपटा खाना है तो इसमें आप थोड़ी सी भुक्की मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा तेज खाने का पसंद है तो, या नहीं तो कम ही डालना बेहतर है। अब ये देखिए कांदा काट के हो गया और ये नींबू भी काट के हो गया, मिर्ची भी काट के हो गया। अब ये धनिया है, ये धनिया भी बारीक कर लेना, इस तरह से काट लेने हैं धनिया को भी। अभी सभी काट के हो गए, अब इसको हम भूनने की तैयारी करेंगे। अब ये देखिए मकई मैं भून रही हूँ, इधर टोप चढ़ा दी हूँ, टोप गर्म हो गया है, इसमें थोड़ी सी तेल ऐड करेंगे। और इसको दो बार में भूनना पड़ेगा, ज़्यादा है, इसको दो बार भूनूंगी मैं, एक बार में नहीं होगा, ज़्यादा है ये। और इसमें हम थोड़ा सा नमक पहले से ऐड कर देंगे, हल्का सा, बाकी के नमक बाद में ऐड करेंगे, और ज़रा सा हल्दी भी जाएगा वो बाद में डालेंगे। चूल्हा पास रखने का है, ये देखिए इस तरह से मकई भूज लेना है। अब ये भूनने को आया, थोड़ा भूनेंगे इसको हम, सब मकई इस तरह से भूज लेना है पहले, उसके बाद में हम उसको जो भी कटा हुआ है बाद में ऐड करेंगे लास्ट में। जो बाकी के मकई है वो भी इसी तरह से भूज लेना है अच्छे से। अब ये देखिए ये भी मकई भून के हो गया, दूसरा वाला भी बाकी के। अब इसमें हम चूल्हा कम कर देंगे, इधर मेरे पास ये जो मसाला है, मिर्ची है कटी हुई बारीक बारीक, कांदा कटा हुआ है और धनिया है थोड़ी सी, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे।
अब ये काला नमक है, काला नमक भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा भूनेंगे हल्का सा, आधे मिनट के लिए भूनेंगे। और इधर और भी है पहले से भुना हुआ, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे, सब मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और अमूल का मेरे पास बटर है, अमूल बटर है, थोड़ा सा हम भी ऐड कर देंगे हल्का। और इधर आधा नींबू है, नींबू थोड़ा सा ऐड करेंगे। थोड़ा भूनेंगे हल्का, हो गया बनके तैयार। चूल्हा बंद कर देंगे, निकाल लेंगे प्लेट में। अब देखिए अब ये देखिए कॉर्न फ्राई बनके हो गया तैयार। अब इसको हम थोड़ा सजा लेंगे, कोथमीर है और कांदा है बारीक कटा हुआ, इसे सजा लेंगे थोड़ा, नींबू है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।